Assalamualaikum friends, how are you? Today I'm here to show you a cleanliness of my place. तो आपको क्या बताऊँ, मैं लेकर आई हुई थी वो, मैं आपको प्लास्टिक दिखाया था ना, तो रात को इतना तूफ़ान आया है कि हमारा हो गया काम सारा ख़राब। गाइस बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और वो जो हमारा प्लास्टिक था उसकी रस्सियाँ जो थी वो रात को टूट गई, जिसकी वजह से टेक्सचर्स का वो हालात हुए हैं। तो आपका वर्क प्लेस दिखाते हैं और हम किस तरह हम इसको सेट करेंगे, और रात को फिर बहुत ज़्यादा बारिश का बताया हुआ है। तो अभी हमने सारे टेक्सचर को ऐसे बिछा दिया है छत पे, तो हम क्या कह रहे हैं कि इनको अब क्या करें। ये देखें ज़रा, बारिश के पानी ने क्या कर दिया है। गाइस सही नहीं बना तो दोबारा बनाते हैं हार्ट। फ्रेंड्स देखें, अब ये हमारा है, ये ब्लैक कंक्रीट वाला टेक्सचर है, तो ये भी हमारा क्रम्बलिंग भी लोग होगा, तो करते हैं। धूप है बहुत ज़्यादा, तो अभी हम आपको ये दिखा। गाइस अब बहुत ज़्यादा धूप है, गर्मी है, हमने इसको कर दिया है, तो अब हम कुछ देर बाद आपको मिलेंगे और आपको बताएंगे हम इसको किस तरह कवर करेंगे और किस तरह हम इनको समेटेंगे। ये आपको रेड रेड टेक्सचर से भी बना दिखा देते हैं हम लोग क्या बना है। ये सारे ड्राई थे और अब देखिए इनका क्या हाल हो गया। बस क्या कर सकते हैं, लाइट बाय लगाना। ये कुछ ड्राई बचे हैं तो मैंने कहा इनकी क्रम्बलिंग कर लेते हैं, मिक्स कर देते हैं। ये ही बचाए अकेला सलामत। तो इसको हम रख जाते हैं, ये ड्राई हो टेक्सचर, ठीक है।
फिर उसके बाद आपको इनकी शेप्स जब हम बनाएंगे तो आपको वो भी दिखाएंगे किस तरह हम अपनी वर्क्स, ये व्लॉग हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे किस तरह हमने इसकी शेप्स बनाएंगे। अस्सलामु अलैकुम, आज तो मौसम बहुत ही ज़बरदस्त है, जैसा कि आप देख रहे हैं बारिश के बाद बहुत मुश्किल से इस तरह का मौसम हुआ है। तो आज हम अपनी प्योर मड को रिफॉर्म करेंगे क्योंकि ये बहुत हार्ड हो गई थी। हार्ड मुझे लगता है इसलिए हुई थी क्योंकि मौसम में इसके अंदर नमी जाने की वजह से, लेकिन इसको हम अच्छे से प्योर मड को हम बनाएंगे तो इसको रीफॉर्म करेंगे कि ये हमारी सॉफ्ट मड हो जाए। रीफॉर्म इस तरह हम करेंगे कि पहले हम इसका फुल पेस्ट बनाएंगे, ठीक है। इसके अंदर डालेंगे हम प्योर सीमेंट, जैसा कि प्योर सीमेंट जो है ये उसको बनाएगा सॉफ्ट, ओके। तो हम क्या करेंगे कि ये देखें, ये हमारे सारे टेक्सचर्स हैं, बारिश के बाद हमने ये शेप्स बनाई हैं इनकी सारी, ठीक है। गाइस यू कैन सी दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्सचर्स आर सुपर ग्रीटी रेड डर्ट एंड ब्राउन ग्रीटी डर्ट्स, दीज आर लवली टेक्सचर्स, ओके। You will love when they will dry. Wow, what a beautiful बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और आज हमने बहुत 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 ज़्यादा मेहनत की है, आप देख सकते हैं कि हमने रेड डर्ट की कितनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी शेप्स बनाई हैं। तो इसको मैं अपने वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगी, स्मैशिंग करूंगी, ठीक है। और उसके बाद ये देखें, ये सारी वैसे मैंने नहीं बनाई, मेरी मामा ने बहुत सारी बनाई, उन्होंने बहुत मेहनत की है इन पर। और हम दोनों ने मिलके जो भी टेक्सचर सारे ख़राब हुए पड़े थे तो हमने उनको क्या किया, हमने उनको शेप्स में दोबारा किया, ठीक है। तो अब ये देखें, ये प्योर मड है और इसको हम इसके अंदर रिफॉर्म करने के बाद प्लास्टिक के ऊपर डाल रहे हैं, ठीक है। तो इसकी छोटी छोटी स्ट्रिप्स जो होंगी बहुत ही मज़े की लगेंगी और ये बहुत ही मज़े की सॉफ्टनेस इनके अंदर आएगी और प्यारे प्यारे छोटे छोटे चंक बन सकते हैं इसके। और स्लैब्स आप देखते होंगे हमारे चैनल पे, इसकी स्लैब्स बनती हैं, मिनी स्लैब्स होती हैं, थोड़ी सी बड़ी स्लैब्स होती हैं और वैसे ही बहुत ही यम्मी लग रहे हैं। इसमें सिंबल से मज़े की खुशबू आ रही है, ऐसा दिल कर रहा है कि मैं इसको खा जाऊँ। देखो ये खाने वाले नहीं है, ओके। और इसके अंदर हमने सीमेंट ऐड किया, पता नहीं क्या क्या हमने इसके अंदर ऐड किया हुआ है। और ये देखें कितना प्यारा लग रहा है, ठीक है। इसके ऊपर हम लिखेंगे ASMR, ठीक है। आप मुझे बताइएगा कि ASMR मैंने लिखा कैसा है, वैसे मुझे तो लग रहा है कोई ख़ास अच्छा नहीं लिख हो पाया। चलो कोई बात नहीं, कुछ तो लिखा है ना, अच्छा ठीक है।